Hello friends, today is 20 September, so I'll be telling you about the current affairs that all belong to 20 September. So let's start this video. So let's go with the first question, when World Bamboo Day is celebrated every year? World Bamboo Day har saal kab manaya jata hai? That is 17 September, 18 September, 19 September, 20 September. So friends, 18 September on every year we celebrate World Bamboo Day. Okay, you got it. Now come to the next question. That is, for the first time in the country, a day has been reserved for women legislation in the legislature session of which state? That is Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Isme ki apne country mein first time ek din aisa जो लेजिस्लेचर सेशन में एक दिन ऐसा रिजर्व किया गया था जो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए होगा, मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेंस ही बोल सकेंगी. तो ये कहाँ पे हुआ था, किस अपने कंट्री के किस स्टेट में, मीन्स इंडिया के उत्तर प्रदेश में ये ऐसा हुआ था. सो नाउ लेट्स टू मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, विच मेडल हैज बीन वॉन बाई इंडियन जैवलिन थ्रोअर देवेंद्र झंझड़िया इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कॉम्पिटिशन हेल्ड इन सितंबर 2022. देवेंद्र झंझड़िया के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कॉम्पिटिशन में, जो कि सितंबर 2022 में हेल्ड हुआ था? दैट इज गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन. सो दोस्तों आंसर है सिल्वर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, On September 18, 2022, which state has announced to set up a state-level institution on the lines of Niti Aayog? 18 September 2022 में कौन से स्टेट ने नीति आयोग का इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया था? तो वो है महाराष्ट्र. Recently in news, Nan model is a storm, grass, lake, satellite. So guys, let's move to the next question, fifth. तो न्यूज़ में नन मॉडल किसे कहते हैं, स्टॉर्म को, ग्रास को, लेक को, सैटेलाइट को? तो आंसर है इसका स्टॉर्म को. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ. रिसेंटली इन न्यूज़, ओपन, फ्रेडी, सावना, आशा, सिबली, सहसा एंड शाशा आर. न्यूज़ में ओपन, फ्रेडी, सावना, आशा, सिबली, सहसा और शाशा क्या है? तो वो है फिश स्पेसीज, मिलेट वैरायटी, नेम ऑफ द डैम्स, नेम ऑफ द चीता. तो ये चीता के नेम है. हु हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल ऑन सितंबर 1822? किसने पहला ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल जीता सितंबर 18, 2022 में? बेंगलुरु ने, मुंबई सिटी, ईस्ट बंगाल, मोहन बैगन? तो दोस्तों आंसर है बेंगलुरु ने. कजाकिस्तान हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स कंट्रीज कैपिटल नू सुल्तान टू व्हाट? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान ने अपना जो कैपिटल है नूर सुल्तान को क्या रखा, मतलब जो कंट्री का कैपिटल है नूर सुल्तान, उसको कजाकिस्तान ने क्या चेंज करके दूसरा क्या नाम रखा? अलमाटी, अकमोला, अस्ताना, नन ऑफ दीज? तो आंसर है अस्ताना. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड स्टेट इन द कंट्री टू पब्लिश द फूड सिक्योरिटी एटलास? दोस्तों कौन सा स्टेट कंट्री में थर्ड स्टेट बना है फूड सिक्योरिटी एटलास को पब्लिश करने का? तो ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड. तो दोस्तों इसका आंसर होगा झारखंड. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टेंथ. विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बायलेटरल लैंडर टू श्रीलंका रिसेंटली? कौन सी कंट्री लार्जेस्ट बायलेटरल लैंडर बनी है श्रीलंका को? तो ऑप्शन है चाइना, इंडिया, अमेरिका, रसिया. तो गाइस इसका आंसर है इंडिया. इंडिया है सबसे लार्जेस्ट कंट्री बनी है बायलेटरल लैंडर जो कि श्रीलंका को लैंड करेगी. ठीक है, तो
हम मिलते हैं कल 21 सितंबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स को लेके। मैं आपसे कल मिलूँगी। सो फॉर नाउ गुड डे।